ये देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कमल गट्टे की सब्जी। यानी दो तरह की सब्जी बनाना बताएंगे, जो कि बहुत सिंपल वे में बताएंगे, कोई तामझाम या कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये है भसीड़े यानी कमल गट्टे की सब्जी। तो देख सकते हैं, इनको हमने छील लिया है ऊपर से, और असल में मम्मी ने छीला था, वो बना रही थी तो हमने चुपचाप वीडियो शूट कर ली। तो ये देख सकते हैं, इनको ऐसे कट कर लिया, छील कर कट कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस चलिए देख लेते हैं। इस तरह से बॉयल कर देंगे। ये देखिए, डाल दिया है अपने कुकर में बॉयल होने के लिए। तो उसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। देखिए, इतना डालना है पानी जिससे अच्छे से डूब जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो गंदगी होती है वो निकल जाए अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। तो हम 1 से 2 सीटियाँ, दो सीटियाँ लगा करके इसको बॉयल कर लेंगे। ये देखिए, पानी डाल दिया है। अब 2 सीटियाँ लगा करके इसे बॉयल करेंगे अच्छे से। सिंपल वे में बताएंगे और दो तरीके की सब्जी बताएंगे। आगे देखिए, अब ये ले लेंगे प्याज और लहसुन, जिसको हमने छील कर काट लेना है। तो दोनों सब्जियों के लिए हम थोड़ा सा ले लेंगे। ये देखिए, एक सब्जी के लिए इतना लिया हुआ है, यानी हमने ले लिया है 3 3 प्याज ले लिया है। इसको एक साथ ही हम सारा ग्राइंड कर लेंगे। और 1 लहसुन, क्योंकि हमको 2 सब्जियां बनानी है, तो ये हाफ हाफ। ये देखिए, 3 प्याज ले लिए, एक में ही छील लिए, पीस लिया है, एक में पीस लेंगे। ये लहसुन की 1 गांठ ले ली है पूरी, क्योंकि 2 सब्जियों में हम ऐड करेंगे मसाले को इसको, इस वजह से। तो ये देखिए, इस तरह से 3 प्याज लिए, मीडियम साइज का है प्याज। तो चलिए देख लेते हैं कि अब क्या करना है। ये है आलू परवल, यानी आज हम बसड़े की सब्जी बनाएंगे और आलू परवल की सब्जी बनाएंगे। दोनों ही सब्जियां बना लेनी है, एक साथ बनाना बताएंगे बहुत अच्छा, बहुत इजी तरीके से। ये देख सकते हैं, तो आलू परवल को भी कट कर लिया है। जैसा भी आप कट करते हो बस वैसा ले लीजिए, हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये हरी मिर्च, देखिए हमारे यहाँ हरी मिर्च ही खाई जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए हमने ले लिया है 10-12 मिर्चें। और इसको हम डालकर पेस्ट बना लेंगे, अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है। ये देख सकते हैं, देखिए हरी मिर्च खाने से ना गर्मियों में काढ़ा वगैरह नहीं होता। तो देखिए, पीस लिया है। अब इस मसाले को हम आधा आधा अलग अलग कर लेंगे पेस्ट। ये देखिए, इस तरह से आधा आधा कर लेंगे। ये देखिए, आधा रख देंगे अलग, आधा अलग रख देंगे। अब ये दोनों सब्जियों को बनाने का हम शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं, बसड़े हमारे अच्छे से उबल गए हैं। इन्हें बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल मैश नहीं करना है, इस तरह से रखना है। ये देखिए, तो अब इन्हें हम अलग निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए, पानी आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इसके अंदर जो भी गंदगी होगी वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है बॉयल करने की वजह से। तो बॉयल करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो होल्स में, जो इनके छेद में मिट्टी वगैरह, गंदगी वगैरह भरी रहती है ना, वो भी सारी निकल जाती है। सबसे अच्छी बात यही होती है कि सारी गंदगी निकल जाए। तो देखिए, 10 मिनट में हम दोनों सब्जियां बनाकर दिखाएंगे आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए, निकाल कर रख लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी सब्जी को। तो चलिए देखिए, कढ़ाई में हमने डाल देना है ऑयल, इस तरह से। मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या, हमारे दोनों ही घरों में मस्टर्ड ऑयल का यूज ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हेल्दी होता है, अच्छा होता है, इस वजह से। तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। देखिए, और सब्जियों से थोड़ा सा ज्यादा, देखिए आप लोग ये समझ लीजिए, और सब्जियों से, सूखी सब्जी में थोड़ा सा ज्यादा मस्टर्ड ऑयल पड़ता है। जीरा डाल देंगे, अब मसाला वही जो पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल को पकाना बहुत जरूरी होता है, अगर कच्चा रह जाएगा तो उसमें एक अलग से फ्लेवर आ जाएगा, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। इस वजह से इसे पकाना बहुत जरूरी होता है, और आप कुछ नहीं करना है, मसाले को पकने देना है। इसी तरह से चलाते हुए ये देख सकते हैं, इस तरह से मसाला हमारा बढ़िया से कुक हो जाएगा। और अब इसमें क्या ऐड करना, देखिए मसाले हमारे अच्छे से कुक हुए हैं, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं हुए हैं, हल्का हल्का सा कुक हो गया है, बस इतने कुक करना है। और अब देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल दिखने लगा है। तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 स्पून और धनिया पाउडर 1 स्पून। ये देखिए,
इस तरह से, और अब इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे भी पका लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं, तो ज्यादा नहीं, 2 स्पून के करीब पानी हमने ऐड किया हुआ है, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। अब इसे भून गया है मसाला अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने पसीरों को डाल देंगे और बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। बस इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे इसमें, ये देखिए। क्योंकि नमक इसी समय ऐड कर देंगे ना, तो सारे पसीरों में नमक अच्छे से कोट हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये अच्छे से हो जाएंगे, देखिए बहुत जगह पर सूखे पसीने नहीं बनते हैं, रसेदार बनते हैं ग्रेवी वाले, मगर हमारे यहाँ सूखे भी बनते हैं, इसलिए हमने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं। तो पसीनों को फ्राई होने देते हैं। चलिए अब अपना फिर से कुकर चलाएंगे और दूसरी सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तो उसमें डाल दिया है 1 लीटर भरकर मस्टर्ड ऑयल, देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां हमारी मस्टर्ड ऑयल में ही बनती हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की सब्जियां बनी हुई बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती हैं। अब इसमें जीरा डाल देंगे, बढ़िया सा हो जाने देंगे, मसाला ऐड कर देंगे वही सेम, बस इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ये देखिए मसाले को अच्छे से भुनने देंगे, ये देखिए भुनने लगा है मसाला अच्छे से। तो अब इसमें क्या करना है ये भी देख लीजिए, अच्छे से चलाना है इस तरह से। मसाला देखिए भुन चुका है अच्छे से, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, और आगे ऐड करेंगे ये देखिए नमक टेस्ट के हिसाब से, ये देखिए। बस 2 ही मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि आगे जो गरम मसाला मम्मी ने बनाया था पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसमें धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा कर दी थी, ताकि ऊपर से उनको धनिया ना डालनी पड़े, ठीक है। तो अब इसमें डाल देंगे टमाटर, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्जी है, तो उसमें टमाटर 2 मीडियम साइज के टमाटर कट कर लिए हैं वही डाल देंगे इस तरह से। अब इनको इतना पकाएंगे कि ये आपस में मैश हो जाए, अच्छे से गल जाए टमाटर को, नमक इसीलिए हमने नमक पहले ही डाल दिया है। तो टमाटर जब मैश हो जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएंगे, तो ज्यादा स्वाद देते हैं, क्योंकि अगर टमाटर नहीं कुक होंगे अच्छे से, तो उसमें टमाटर का फ्लेवर आता रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से ढक देंगे जिससे टमाटर जल्दी से कुक हो जाए। ये देखिए लगभग टमाटर कुक होने लगे हैं, और बीच बीच में ऐसे हम चला देंगे, देखिए इस तरह से। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है मसालों के साथ, क्योंकि इसमें हमने टमाटर ऐड करे हैं, और टमाटर में अपना पानी खुद ही छोड़ते हैं। तो देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो उसमें हम आलू और परवल डाल देंगे। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट बस फ्राई करेंगे, जिससे कि मसालों का जो टेस्ट है, मसालों का जो फ्लेवर है, वो हमारी सब्जी में आ जाए, इसीलिए। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई होने लगे हैं, हमारी सब्जी फ्राई हो गई है अच्छे से, ऑयल भी दिखने लगा है, ये देख सकते हैं इस तरह से। चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जब टेस्टी सब्जी बनी होगी तभी सब खाएंगे। तो शायद इसमें दिख नहीं रहा है, मगर हमारा ऑयल दिखने लगा है, इतने बढ़िया से फ्राई हो गया। तो अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे, तो हमने 1 गिलास पानी ले लिया, 1 गिलास पानी डाल देंगे। देखिए जितना ग्रेवी आपको चाहिए बस उतना ही आप पानी डालिएगा, ज्यादा ना डालिएगा, क्योंकि कुकर में 1 सीटी लगेगी और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाती है, उसमें पानी जलता नहीं। अगर आप खुली सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी जल जाता है। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारी आलू परवल की सब्जी। तो एक बात और बता दें आप लोगों को कि अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, क्योंकि ये रेसिपी कोई घुमा फिरा कर नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल सी रेसिपी है। तो ये देखिए गरम मसाला ऐड कर देंगे और मिक्स करके सर्व करेंगे। तो अगर पसंद आ रही हो हमारी ये रेसिपी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को ये सब्जी हमारी कैसी लगी, दोनों की दोनों। ये देखिए बनकर तैयार हो गई, कितनी यम्मी कितनी टेस्टी लग रही है। देखिए इसमें कोई बनावटी नहीं है, जैसी हमने बनाई सब्जी वैसे ही आपको दिखा रहे हैं, यानी भसीड़े की सब्जी और आलू परोठे की सब्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा।